हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एल डब्ल्यू डी जॉब में एपीएस शिक्षक भर्ती 2024 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहां पर जो है तीन तरीके से टीचर्स की वैकेंसी आई है पार्ट टाइम टीचर्स की भी वैकेंसी है और एडॉक बेस पर भी वैकेंसी आई हुई है साथ में रेगुलर पोस्ट पर भी जो है वैकेंसी निकाली गई है काफी अच्छी सैलरी आर्मी पब्लिक स्कूल में दी जाती है फिक्स सैलरी यहाँ पर फोर्टी फाइव थाउजेंड तक जो है यहाँ पर सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं सब्जेक्ट आपको देखना होगा एप्लीकेशन फॉर्मेट आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड करना है कैसे फिल करना है सारी चीजें मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ अंत तक वीडियो के बने रहिएगा पिछले वीडियोस देखिएगा शायद आप लोगों की जो है वहां पर आ, सब्जेक्ट हो और आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं तो जॉब के लिए काफी अच्छा जो है ये मौका आपके पास रहने वाला है सबसे पहले जो है मेन वेबसाइट पर आएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी से ये वैकेंसी है लेटेस्ट एट तो द रेट एपीएस यहाँ पर वैकेंसी सेक्शन आपको नजर आएगा इस पर जो है आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों के सामने डाउनलोड एल एस बी या सी एस बी फॉर्म क्लिक हेयर तो 18 फरवरी 2024 को दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश किया गया था यदि आपने नहीं देखा है फिलहाल जो मेन वेबसाइट पर जो है ये डाल दिया गया है तो अभी इसे हम चेक करेंगे कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीजें यहां पर आप लोगों को बिल्कुल आसानी से जो है पता चल जाएंगी केवल सौ रुपए ही आप लोगों के यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको देने होंगे पांच मार्च जो है वो लास्ट डेट रहेगी ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप लोगों को क्वालिफिकेशन चेक करने को मिलेगी डाउनलोड क्वालिफिकेशन डिटेल नीचे है डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड तो इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा ठीक है अब हम देख लेते हैं सब्जेक्ट देख लेते हैं किस पोस्ट में है? कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है तो ध्यान से देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एंड एडमिन स्टाफ इन आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी से वैकेंसी है पीजीटी में इंग्लिश फिजिक्स मैथ्स पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में इंग्लिश मैथ्स साइंस कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन टीचर सोशल साइंस एंड काउंसलर की वैकेंसी है प्राइमरी टीचर्स में सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है प्री प्राइमरी टीचर्स में भी जो है ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है एक्टिविटी टीचर्स में डांस एंड योगा टीचर की इसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट की जो वैकेंसी है तो एडोग बेस पर भी है यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी वैकेंसी है इसकी और पार्ट टाइम के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पेशल चिल्ड्रन जो होंगे उनको टीच करना होगा पढ़ाना होगा नॉन टीचिंग स्टाफ में लाइब्रेरियन एंड लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है आईटी सुपरवाइजर की रेगुलर पोस्ट है ये एडमिन स्टाफ में जो वैकेंसी है तो बिल्कुल फिक्सड टर्म रेगुलर पोस्ट है ये ये आपको ध्यान में रखनी है ठीक है टीजीटी में भी जो है फिक्स टर्म एंड एडोग बेस पर वैकेंसी दोनों ही है पीजीटी में केवल एडोग बेस पर है अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना होगा हाउ टू अप्लाई डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन आर एवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट ये स्कूल की वेबसाइट है मैंने आप लोगों को अभी दिखाई है लिंक आप लोगों को जरूर शेयर किया जाएगा इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है स्कूल की मेन वेबसाइट से ही अपने सभी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करने हैं हंड्रेड रुपीज का आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी के नाम का आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है बैंक में जाके आप बनवा लें पांच मार्च दो तक आप लोगों को सबमिट कराना है ऑफिस में इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आर नॉट एस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल नॉट बी कंसिडर्ड एप्लीकेशन रिसीव थ्रो ई एक्सेप्टेड तो आप लोगों को जो है भेजना होगा एड्रेस पर भेज भी सकते हैं या फिर स्कूल के ऑफिस में जाके सबमिट भी करवा सकते हैं ई मेल नहीं करना है लास्ट में लिखा हुआ है एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रो पोस्ट और बाय हैंड आप जो है बाय हैंड भी जो सबमिट करवा सकते हैं स्कूल में जाके नहीं तो दूर रहते हैं तो पोस्ट भी कर सकते हैं तो चलिए एप्लीकेशन फॉर्मेट आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पर नीचे आप आएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल चेक कर लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पीडीएफ तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आप लोगों को मिल जाएगा बाकी जो है क्वालिफिकेशन डिटेल भी जो है चेक करें आप तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्वालिफिकेशन के लिए अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजीटी में सब्जेक्ट में 50 परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री प्लस बीएड भी जो है ये लोग मांगते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ग्रेजुएशन प्लस बीएड और सी पेपर टू क्वालिफाई होना चाहिए पी के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो ट्वेल्थ के साथ में बी वाले बी वाले डीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए एन कोर्स आपका या प्री प्राइमरी डिप्लोमा आपके पास डिग्री कोई होना चाहिए जो कि दो सालों से कम का नहीं होना चाहिए डांस एंड योगा टीचर्स के लिए आपके पास जो है इनसे संबंधित तो, डिप्लोमा होना चाहिए और इसके अलावा जो है लाइब्रेरियन के लिए लैब अटेंडेंट के लिए जो है ट्वेल्थ मांगते हैं साइंस स्ट्रीम में लाइब्रेरियन के लिए जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस की तो ये जो है आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बाकी आप सभी जानते हैं कि इससे पहले जब वैकेंसी आती थी तो सी एस स्कोर कार्ड आपके पास होना कंपल्सरी था बट इस बार ऐसा नहीं है अगर आपके पास स्कोर कार्ड है काफी अच्छा है नहीं है तो भी अब आप अप्लाई कर सकते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू